तो आइए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं यूपी के सियासी रण से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी शो। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर मतदान होना है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 10 फरवरी को मतदान होना है। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है और देखना होगा कि आखिर जनता किसे मौका फिर से देती है या फिर नहीं। तो 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होना है। तो देखिए, पहले चरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो योगी सरकार के ही 9 मंत्रियों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई। तो यूपी के सियासी रण से बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। आपको ये बता दें कि आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। यूपी के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। लखनऊ में सुबह 10:15 पर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। तो देखिए, आज जब ये संकल्प पत्र जारी होगा तो अमित शाह सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे जो संकल्प पत्र को जारी करेंगे। हालांकि देखिए, पहले 6 फरवरी को ये संकल्प पत्र जारी होना था लेकिन लता दीदी के निधन के कारण ये प्रोग्राम, ये पूरा जो कार्यक्रम था वो टाल दिया गया। अब आज जो है ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और देखिए फोकस रहेगा किसान, महिलाएं, इन तमाम चीजों पर। बिजली को लेकर क्या बड़ा ऐलान कर सकती है, इस पर भी सभी की नजर रहेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में काबा भगवाधारी महारथियों का यूपी संकल्प, बीजेपी का संकल्प 350+ करोड़ में, संकल्प में बाबा क्या देंगे सौगात। यूपी के सियासी युद्ध में 2022 में लखनऊ की गद्दी पर बैठने के लिए जोर आजमाइश तेज है, लड़ाई आर पार की है। सवाल यह है कि जनता एक बार फिर यूपी में कमल खिलाएगी, भगवाधारी योगी पर भरोसा करेगी या फिर साइकिल को रफ्तार देगी। सवाल तो यह भी है कि यूपी के विकास को रफ्तार कौन देगा, युवाओं को रोजगार कौन देगा, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कौन करेगा, गरीबों का पेट कौन भरेगा, किसानों की आय दोगुना कौन करेगा, बेहतर सड़क और अस्पताल कौन देगा। और इसी का जवाब देने के लिए आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी जिसे नाम दिया गया है लोक कल्याण संकल्प पत्र। 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आगे बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी अपना यह संकल्प पत्र 6 फरवरी यानी रविवार को ही जारी करने वाली थी लेकिन स्वर कोटला लता मंगेशकर के निधन के बाद इसे टाल दिया गया और इसे आज सुबह लखनऊ में 10:15 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे। शाह के साथ सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अब सवाल है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जनता से क्या वायदे कर सकती है, तो चलिए इस संभावित वादे को भी हम बता देते हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र गरीब, किसान और महिलाओं पर केंद्रित होगा। नए रोजगार सृजन पर भी फोकस होगा। बिजली को लेकर महत्वपूर्ण वादा कर सकती है बीजेपी। किसानों के लिए बड़े योजनाओं का ऐलान कर सकती है। जीरो बजट खेती पर ऐलान संभव है। डिजिटल शिक्षा पर जोर, डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार पर जोर रह सकता है। गन्ना बकाए के भुगतान तक हर जगह नकली समाजवादियों का ही बोलचाल था, उन्हीं का राज था। बीजेपी अखिलेश और मायावती पर 2017 से पहले यूपी को बीमारू और दंगा राज्य बनाने का आरोप लगा रही है और अब बीजेपी अगले 5 साल के लिए अपना रोड मैप लेकर तैयार है जिसे आज वो लखनऊ में पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।